So guys, I will ask you the question from here, but you have to give the look to the camera. Okay. If okay. possible, okay? Okay. Thank you. This look is fine? Yeah. Where I'm looking? Okay. Okay, so firstly, very, very welcome to you both. Thank you very Thank much. You. Film Notebook, you know, it's a most awaiting film this year and people are loving really? Your trailer. Yeah. That's people awesome. Are loving the trailer also. And it seems it's your debut yeah. film. Tell us something, you know, we know about the character somewhere mm-hmm. With the trailer. Yeah, yeah. But tell us something about your character you are playing. So I am playing a character called Kabir, who is slightly lost in life. He's been through a few incidents in his life when he was young and in his youth, which have traumatized him, I would say, which have made them the person he is today, and he can't seem to get over it. And he's a slightly quiet, sarmasa guy who doesn't like crowds, speaks less, and he goes to a school to teach where, from where on his life changes. Yeah, I think Firdaus is a very, very mature girl. She's very pure, very stubborn at the same time, and opinionated. She speaks exactly what she believes in, and she's not afraid. Loves kids, and very good heart, I would say. Okay, so as of now, what I know is that आपने पहले यू नो आर्मी ऑफिसर थे फिर उसके बाद में आपने स्विच किया है टीचर के रोल में और फिरदौस आप ऑलरेडी फिरदौस जो है वो ऑलरेडी टीचर के किरदार में नजर आए जी जी तो कैसे कुछ प्रिपरेशन रही इस रोल के लिए खास तौर पे आपके क्योंकि क्या आर्मी वगैरह वगैरह के सीन शूट्स किए जी तो हमने 4 महीने की वर्कशॉप्स किए जिसमें सब कुछ आ गया क्योंकि मेरा कैरेक्टर मुझसे बहुत अलग है वो ना तो मेरी तरह चलता है ना तो मेरी तरह बात करता है उसके ट्रेट्स उसकी जो पसंद है ना पसंद है वो मुझसे बिल्कुल अलग है तो इसलिए 4 महीने के वर्कशॉप्स बहुत ही ज़रूरी थे और आई थिंक हमें जो अचीव करना था वो 4 महीनों में हमने कर दिया क्योंकि जिसने भी देखा है पिक्चर उनको लगता है कि हाँ ये इसमें ज़हीर बिल्कुल नहीं है ये कबीर ही है और हाँ मैं आर्मी के लिए हमें हमने ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं किए छोटा पोर्शन है लेकिन हाँ हमने बहुत मैंने बहुत आर्मी ऑफिसर से बात की जब मैं कश्मीर में था उनसे कई चीज़ें सीखी और जैसे बेसिक जैसे कि बंदूक कैसे पकड़ते हैं अगर वो बंदूक के साथ भाग रहे हो तो कैसे भागेंगे वो सब चीज़ें हाँ आई थिंक क्योंकि मैं टीचर प्ले कर रही थी तो मेरे एक्टिंग कोच जो है मिस्टर हेमंत खेर हमेशा कहते थे कि आपकी फेवरेट टीचर कौन है हुज़ योर फेवरेट टीचर सो यू नो टॉक अबाउट हर राइट अबाउट हर फिरदौस इज़ चाइल्डहुड फिरदौस इज़ फेवरेट कलर हाउ वुड फिरदौस रिएक्ट वट वॉज़ हर रिलेशनशिप विथ हर अम्मी एंड अबू सो स्टफ लाइक दैट विच वॉज नॉट इंटेग्रल टू द स्क्रीन प्ले एज सच लेकिन आई थिंक दैट्स वाई आई एम सो कनेक्टेड टू फिरदौस क्योंकि ऐसे लगता है मैं सब जानती हूँ उसके बारे में राइट फ्रॉम हर बर्थ टू हर यूथ टू हर टीचिंग टू एवरीथिंग तो उसके लिए हाँ मेहनत करनी पड़ी क्योंकि मैं भी फिरदौस से काफ़ी अलग थी इतना ठहराव नहीं था आई थिंक थोड़ा आ गया अभी वो प्ले करके वो इनकॉर्पोरेट करके एंड जनरल चीज़ें जैसे थोड़ा फोकस लाना अपने आप में मेडिटेशन करना ब्रीदिंग करना ये बेसिक्स जो हैं दैट इज समथिंग दैट हेमंत सर हैज रियली वर्कड ऑन विद बोथ ऑफ अस आई थिंक और मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो आर्मी की प्रिपरेशन आप पूछ रहे थे तो मैंने बहुत सी फिल्में देखी नितिन सर ने मेरे को मुझे 4-5 फिल्में दी थी इन पर्टिकुलर ये दिखाने के लिए कि क्योंकि हमारे माइंड में एक मेरे माइंड में एक प्री कंसीव नोशन था कि आर्मी ऑफिसर है तो हमेशा ऐसे ही रहेगा ऐसी बात करेगा तो वो ऐसा तो नहीं है ना कि आप आर्मी ऑफिसर को एक सवाल पूछेंगे और वो जवाब देंगे यस सर जब आप मे बी एक ड्राॅइंग रूम में उनके साथ बैठ के बात कर रहे हो तो वो नोशन तोड़ने के लिए नितिन सर ने मुझे काफ़ी पिक्चरें दिखाई ताकि मैं नॉर्मल प्ले कर सकूं क्योंकि मैं जब नॉर्मल सीन्स में भी चल रहा था मैंने कहा कि मैं आर्मी ऑफिसर हूं तो मैं ऐसे चलूंगा एकदम स्टिफ तो वो है नहीं कि जब आप ऑफ ड्यूटी हों तब भी आप ऐसे ही हमेशा वो एक पॉइज है उनमें लेकिन उतना नहीं जितना मैं कर रहा था वो तोड़ने के लिए उन्होंने काफ़ी पिक्चरें दिखाई ओके बीइंग अ डेब्यू फिल्म जब हम डेब्यू करने जाते हैं तो हमेशा एक
दिमाग में जहन होता है कि मुझे ऐसा कैरेक्टर करना है, या फिर थोड़ा सा एक प्रेशर टाइप का कह सकते हैं हम, होता है, तो क्या नोटबुक वो फिल्म है जिसके लिए, जिसके साथ में आप लोग डेब्यू करना चाहते थे या जैसा कैरेक्टर आप चाहते थे? जी आई थिंक मैं ये दोनों के लिए बोल सकता हूँ कि हम दोनों को वो कोई नोशन नहीं था कि हमें ब्यूटी शॉट्स चाहिए या तो मुझे एक बॉडी शॉट चाहिए, गाना चाहिए जहाँ नाइट क्लब में नाच रहे हो। हम दोनों को एक कंटेंट बेस्ड फिल्म चाहिए थी और वो हमें मिली। और मैं हमेशा ये कहती हूँ 1000 times over आई वुड चूज नोटबुक एनीथिंग। सो ओके, सो जहीर आपसे जानना चाहेंगे, यू नो नॉट बीइंग फ्रॉम बैकग्राउंड, फिल्म बैकग्राउंड, डिड यू ऑलवेज वांटेड टू बिकम और कुछ और भी था? सो आई वाज इन द कंस्ट्रक्शन बिजनेस बट आई ऑलवेज हैड द फिल्मी कीड़ा। आई ऑलवेज वाज वेरी फॉन्ड ऑफ ड्रामा, डांसिंग, all of that. I was always a part of that in school and college, but I never thought I would leave my business and go and audition and try to be in the movies. I thought ki worst case scenario, ek din my friend and me used to joke ke khud paise bana lenge, khud ek picture produce kar lenge, wo direct kar lega, main act kar lunga. Lekin haan, kabhi socha nahi tha ki main isko pursue karunga. Masti mein wo man mein hamesha chahti ki kaash actor ban jata, काश कर लेता, लेकिन मैंने किया नहीं। मैं कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व था, लेकिन जो होना है वो होता ही रहता है। ओके, प्रनीतन, आपका जब सलमान खान सर ने सब फर्स्ट टाइम ट्विटर पे ट्वीट करते हुए आपकी फोटो, यू नो, सबको बताई कि आप होंगे उनकी हीरोइन, तब लोगों ने काफ़ी आपको नूतन जी यानी आपकी आपकी जो ग्रैंड मदर है उनके साथ में बहुत कंपेयर किया और कहा कि आप उनकी झलक है। तो क्या वहाँ कहीं आपके आपके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बना, यू नो, क्योंकि नूतन जी को इतनी बड़ी एक्ट्रेस तो आप पर थोड़ा बहुत प्रेशर? नहीं, आई डोंट थिंक मैं इसको प्रेशर के तौर पे लेना चाहूँगी। आई टेक इट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अच्छा लगता है कि इतने महान कलाकार हैं हमारी फैमिली में, तो टेक इट एज एन एसेट, बी पॉजिटिव अबाउट इट दैट आई हैव दिस ब्यूटीफुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माई शोल्डर्स एंड व्हाट एम आई गोइंग टू डू अबाउट इट, आई एम जस्ट गोइंग टू बेटर माई सेल्फ एट माई क्राफ्ट एंड अप माई गेम ऑल द टाइम। सो नो, आई टेक इट एज एन एनकरेजमेंट कि इतनी बेहतरीन लीनेज है और लेगेसी है, तो काम करो, अच्छा काम करो, ईमानदारी से करो, उनको प्राउड फील करवाओ, डोंट लेट देम डाउन इन एनी विच वे, बिकॉज आई फील कि प्रोफेशनली तो वो हैं ही बहुत ही अचीवमेंट ओरिएंटेड पीपल, लेकिन उनकी जो पर्सनालिटी है इतनी डिग्निटी और ग्रेस के साथ उन सब ने अपनी पर्सनल लाइव्स भी जी हैं, तो वो मेरे लिए मेरी नज़रों में बहुत बड़ी बात है। सो या आई डोंट टेक इट एज प्रेशर, आई डोंट माई पैशन टू बी एन एक्टर एंड माई ड्रीम टू बी एन एक्टर इज टू बिग, so I don't get bogged down. I know what I want for myself and I'm ready to work very hard for it. So नहीं, responsibility है और अच्छी है, तो खुश रहना चाहिए उसके बारे में। Okay, एक आपकी जो इस फिल्म को मिलने के पीछे जो स्टोरी रही है वो ये रही है कि you met सलमान खान और अर्पिता's wedding something. No, it's not Arpita's wedding. I came for my sister's wedding. Okay. Because my dad's childhood friend and he saw me there after 4-5 years. And I did a whole performance, a video and a dance. When the video breaks into a dance, we come on stage and perform. So he saw that video and the dance. It's not that he saw me dancing and said, "Isko hero bana de." He saw the performance. I was acting in that video. Okay. I was playing my brother-in-law's role. And he saw that and I got off stage and he offered me a film. Okay, also ye bhi suna hai humne, you know, jab aapko launch karne wale the Salman Khan, to unhone aapki, you know, aapka makeover ya keh sakte hain bahut mehnat ki hai ji, grooming mein, to kehna batana chahenge uske piche ki story aur kaisa raha ji? Bhai ne 6 saal se mujhe groom kar rahe hain har cheez mein, from my looks to my acting to my talents, har cheez mein groom kiya hai unhone। हमेशा कहा है कि मैं तुम्हें एक पिक्चर के लिए नहीं, 100 पिक्चरों के लिए रेडी कर रहा हूँ, तो तुम्हें हर चीज़ जानना ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज हम सोच रहे कि तुम्हारे लिए एक रोमांटिक फिल्म बनाएंगे तो तुम रोमांटिक फिल्मों में जो जो चीज़ रखती है, अगर तुम्हारे पिक्चर में गाना है तो आप डांस सीख लो। उनका यह था कि तुम एक्शन भी कर लो, डांस भी कर लो, एक्टिंग भी कर लो, जो हर चीज़ हो सकती है, जो आपको ज़रूरत पड़े पिक्चरों में, वो हर चीज़ सीख लो। तो उन्होंने मुझे हर चीज़ सिखाई है लास्ट 6 सालों में। ओके, प्रनंदन, यू नो, आपसे जानना चाहेंगे, आपने लॉ किया है जी, यू नो, उसके बाद एक्टिंग फील्ड में आने की वजह जानना चाहेंगे? तो आपको पूछना चाहिए कि कि आप
एक्टर से लॉयर कैसे बने, लॉयर से एक्टर में? सही बात इतना सुना है बेचारे ने 50 इंटरव्यू में, लेकिन सही है क्योंकि मुझे एक्टर हमेशा बनना था. तो लॉ किया क्योंकि आई बिलीव कि एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट. आई स्टिल बिलीव इट. इट हैज़ नथिंग टू डू विद योर इंटेलिजेंस, बट इट्स स्टिल इम्पॉर्टेंट. इट शेप्स यू, मेक्स यू कॉन्फिडेंट. मुझे पता है कि लॉ ने मुझे कितना हेल्प किया है छोटी छोटी चीज़ें जानने में, नोटिस को कैसे रिप्लाई करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होना चाहिए, घर कब खरीदना है तो कैसे खरीदते हैं. तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट हैं. सो या आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी एन एक्टर, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ माई स्टडीज. दैट वॉज माई सिंपल थिंग. आई सेड आई विल ऑडिशन एट 22, आई डोंट हैव टू ऑडिशन एट 16 एट द कॉस्ट ऑफ समथिंग दैट आई एम गुड एट ऑल्सो एकेडमिकली. So I was auditioning for about 2.5-3 years, and Notebook was another audition for me. I auditioned with the director. It was a long audition, 4 to 5 hours, and that's what I loved because Nitin sir is so particular. He doesn't let go, which is very exciting for especially a newcomer when the director wants to, you know, extract your full potential. It's very encouraging, and it was an amazing audition. He's very positive, very patient, and he's just such an amazing human being. So, and yeah, about I think 18 days later, I got a call saying that I'm confirmed for Firdaus. So I was very happy. Okay, Salman Khan production film hai. So Salman Khan jo hai, hamesha ek kahin na kahin apna appearance de hi dete hai film mein. To aisa sunne mein aa raha hai ki is film mein bhi you know Salman Khan. Nahi nahi kaha wo SKF ki koi picture mein nahi the. हीरो में नहीं थे, लव यात्री में नहीं थे, इसमें भी नहीं है, नहीं है? नहीं. लेकिन उन्होंने इस फिल्म के लिए गाना गाया, इसका नाम है मैं तारे. तो वो कमाल का गाना है और उन्हें गाया कमाल है. ओके, आल्सो यू नो फिल्म शूट की गई है बच्चों के साथ में, तो वो एक अलग कैसा एक्सपीरियंस रहा दोनों के साथ में, उसके बारे में जानना चाहता. मेरे लिए तो इस फिल्म मुझे स्क्रिप्ट ने अट्रैक्ट की क्योंकि बच्चे हैं और इतने क्यूट कैरेक्टर्स हैं और इतने वेल रिटन हैं और बच्चे तो लाइफ थे शूटिंग के. जब उनकी शूटिंग ख़त्म हुई तब से तो पूरा सेट का माहौल ही बदल गया था. हम रोज़ बोलते थे कि यार बच्चों को बुला लो, एक्टिंग बेटर कर लेंगे हम. तो बच्चों के साथ शूट करके बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया और स्पेशली ये बच्चे जो और वो आपको दिखेगा स्क्रीन. कुछ अलग नहीं था एक्चुअली हम दोनों के लिए, बिकॉज ही बोथ लव किड्स अ लॉट एंड बच्चे हमसे बहुत प्यार करते हैं, तो हम लकी हैं. और ये बच्चे तो हमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, तो जब हम साथ में होते हैं सब, कभी एक बार भी मम्मी और पापा के बारे में नहीं पूछेंगे, बिकॉज दे नो दैट कबीर एंड फिरदौस विल टेक केयर ऑफ देम. और बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है अब तक बच्चों के साथ. मैं कल किसी से बात कर रही थी मैसेज पे, तो हर हफ्ते ऐसा होता नहीं है, एक हफ्ता भी नहीं गया है कि मैंने बच्चों से बात नहीं की है. मैं करती हूँ मैसेज नहीं तो वो उनका मैसेज आ ही जाता है. और आई एम ग्लैड, मुझे सिर्फ यही है कि वो बड़े रह के भी मुझे बहुत याद करें. आई एम जस्ट होपिंग फॉर दैट. एंड या दे आर द सोल ऑफ द फिल्म, दे आर एवरी थिंग एंड दे आर लवली किड्स. या मतलब एक कभी भी एक टैंट्रिम नहीं, एक मूड स्विंग नहीं. हमारा मूड स्विंग होता था तो हम उनको देख कर हम पूरे काम हो जाते थे, ऐसा था उनका इन्फ्लुएंस. तो कुछ तकलीफ उन्होंने बिल्कुल नहीं दी है किसी को भी. सबसे ज़्यादा इस पिक्चर में वो बच्चों ने हमें इंस्पायर किया है, क्योंकि वो देख के बच्चे इतने हार्ड वर्किंग, इतने डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं बिना किसी आवाज कोई चूचा किए हुए, तो हमें उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती थी. ओके, फिल्म यू नो एक ऐसी कहानी है जहाँ पे बिना किसी बिना देखे आपको प्यार हो जाता है जी. तो आपके माइंड में यू नो कोई ऐसी तस्वीर है जिसके साथ में आप रियल लाइफ की बात कर रहे होंगे, जिससे यू नो आप चाहते हैं कि मुझे ऐसी लड़की मिले, या फिर आप चाहते हैं कि ये रोल के लिए परफेक्ट हूँ कबीर की, क्योंकि मेरे लिए इंसान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लुक्स नहीं. मुझे लगता है कि अगर तुम एक इंसान से प्यार करते हो तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हें बहुत खूबसूरत लगने लगेगा. तो हाँ, मेरे माइंड में कोई ऐसा है नहीं कि अगर मुझे प्यार हो तो वो कोई ऐसा लगे. मैं जानता हूँ जिस दिन मुझे प्यार होगा वो लड़की दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की होगी मेरे लिए. ओके,
आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं भी ऐसी कोई क्वालिटीज ऐसे लेकर मैंने नोटबुक में रखी नहीं है कि माय बॉयफ्रेंड और माय हस्बैंड शुड हैव दिस, बिकॉज मैं सच्ची मानती हूँ कि अगर वाइब आप दोनों की अच्छी है, एनर्जी अच्छी है, तो और कुछ मायने नहीं रखता है. हॉबीज मायने नहीं रखते हैं, लाइक्स डिसलाइक्स मायने नहीं रखते हैं. इफ़ आई फील द मोस्ट कम्फर्टेबल विद दैट पर्सन, तो फिर मेरे लिए वो सबसे बड़ी बात है. और मुझे हंसाना बहुत ज़रूरी है. आई लव अ गाय विद गुड सेंस ऑफ ह्यूमर. दैट इज़ समथिंग दैट आई डू लव अबाउट एवरीबडी, बट स्पेशली अबाउट गाइज. तो हाँ, वो एक चीज़ है. लेकिन हाँ, मेरे लिए एनर्जी और वाइब उस इंसान के साथ बहुत मायने रखती है. ओके, जैसे कि आपने कहा आई लव द गाय जो आपको हंसता है, तो आप दोनों का ऑन सेट रिलेशनशिप कैसा रहा और ये कितना हंसाते थे आपको? हाँ, बहुत हमेशा. आई थिंक आई ऑलवेज सेड दैट ही कैन मेक मी लाफ लाइक चोक, कॉन्स्टेंटली लाफिंग. चोक होने से पहले रुक जाता हूँ. अच्छा, बहुत कंसिडरेट है. हालांकि मुझ पर ही जोक्स मारता है हमेशा, क्योंकि ये बहुत स्पोर्टिंग है. लेकिन अगर इतनी स्पोर्टिंग होती तो मैं कम करता, लेकिन मैं थोड़ा भावनाओं में बह जाता हूँ क्योंकि इतनी स्पोर्टिंग और इतनी अच्छे से जोक्स लेती है. तो हाँ, बट ही इज़ वेरी फनी. ही मेक्स मी लाफ अलॉट. ही मेक्स एवरीबडी लाफ अलॉट. यू कैन बी. तो मैंने एक इंस्टाग्राम स्टोरी भी डाली थी जहाँ सब लोग ऐसे फूट फूट के हंस रहे थे. तो आई हैड रिटन देयर दैट कैन देयर एवर एग्जिस्ट अ बंच ऑफ पीपल अराउंड ज़हीर हु डोंट लाफ लाइक दिस, एंड इट्स नॉट पॉसिबल. एंड 9-10 मंथ्स आई नो हिम. अगर वो क्या कहीं पे है, मतलब लाइब्रेरी में भी है, तो एक इंसान तो हंसेगा ही हंसेगा. वी डजंट नीड टू स्पीक टू मेक यू लाफ. दिस इज मैनरिज्म्स, हिज आईज, हिज फेस. आप उनके इंस्टाग्राम कैप्शन देखकर पता चल जाएगा कि वो कितनी फनी है. और वो उसका फनीस्ट हैबिट ये है, ये शूट पे कैंडिड फोटोज लेती है लोगों का और उसके नीचे कैप्शन डाल के भेजती है. तो नितिन सर का एक स्लोली एक स्टाइली फोटो ले लेगी और उस पर लिखेगी कि नितिन सर क्या सोच रहे. तो वो सबसे फनी क्वालिटी है इसकी और मुझे उस पर बहुत हंसी आती है. ओके सर, लास्टली यू नो फिल्म रिलीज को अभी बहुत ही कम समय बचा है, तो क्या कहना चाहेंगे हमारे ऑडियंस से आपके फैंस के लिए? हाय, मैं सब व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगा कि हमने एक पिक्चर बनाई है नोटबुक जो बहुत ही स्वीट इनोसेंट और ब्यूटीफुल लव स्टोरी है. थोड़ी यूनिक है, थोड़ी अनकन्वेंशनल है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है. ये कश्मीर में शूट हुई है और वो खूबसूरती और प्यार दिखता है. तो प्लीज़ जाके 29 मार्च को ये फिल्म देखिए. मुझे पता है आपको ज़रूर बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इसमें हर किसी के लिए कुछ है. बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, जवानों के लिए. तो प्लीज़ जाके देखिए. और मैंने इसका भी बोल दिया तो उसको पता नहीं अभी क्या बोलना. नहीं, प्लीज़ प्लीज़ देखिए हमारी पिक्चर 29 मार्च को और आई एम श्योर आपको बहुत बहुत पसंद आएगी. सो या, प्लीज़ वॉच इट. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. थैंक यू सो मच. अच्छा गाइस, वन होली विश. होली, योर नेम, योर हाय एंड दिस एंड इट्स ए ए एन आई, राइट? ए एन. यू डोंट हैव टू टेक द नेम, जस्ट से आप सभी को होली की शुभकामनाएं. लवली. हाय, मैं हूं ज़हीर इकबाल. हाय, मैं हूं प्रणूतन बाहल. और आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. हैव अ हैप्पी कलरफुल एंड पीसफुल होली. थैंक यू. सब बोल दिया. मेरा बोली किसका? हैप्पी कलरफुल पीसफुल के बाद क्या बोलूं? सेफ. सेफ. सेक्सी. सेफ. रॉकिंग. सेफ वाटर. सेफ. सेफ वाटर. सेफ. हैव भांग. सेफ वाटर. It's rolling. So, say what you're doing. Raju. What ways? Visuals. Dono ke saath mein. Standing. Standing.